शोर मत करना, ठीक है? यस मैम। चल। मेरा नाम विकास है, पेशे से डॉक्टर। मैं कल अब आपके गांव का अस्पताल मैं ही देखूंगा, हाँ साथ में सोशल वर्क भी करूंगा। डॉक्टर और सोशल वर्क? क्यों, डॉक्टर क्या इंसान नहीं होते? होते तो है, पर पुलेन और रसगुल्ले का तुम पहली बार सुन रहे हो। पुलेन और रसगुल्ला? आप बातें बड़ी मीठी करती हैं। अब ज्यादा मिठाई से डायबिटीज हो जाती है। दो तो है, सोशल वर्क में आपका सहयोग मांगने आया है। गाँव की भलाई के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। और हाँ मेरी बात ध्यान रखिएगा। कौन सी बात? रसगुल्ले वाली। ठीक से जाना और दिन छुपने से पहले वापस आ जाना। जी बाबू। खुश हो बेटा, खुश हो बेटा। चलो ड्राइवर। दुकान से हमारा अपॉइंटमेंट। आपका नाम? जी रश्मि। रश्मि। हेलो मिसेस रश्मि, आपसे मिलना चाहते हैं। जी यस, आप जा सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। आओ बैठो। और रश्मि कैसी तबीयत है? जी वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन आजकल पेट में गैस बहुत बनती है और चक्कर भी आते हैं। इन दिनों तो ये ऐसा चलता है, नॉर्मली बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आओ मैं अल्ट्रासाउंड कर लेती हूँ। जी और रश्मि बैठो। कल पता करिए ना, इसके बाद जैसा चाहोगे हो जाए। जी मैडम। नमस्कार। चलिए रश्मि। सुनो, क्या करने के लिए कह रही थी डॉक्टर साहब? कुछ नहीं कह रहे, तुम टेंशन मत लो, चलो। Thank you.
धीरे लगाना भौजी, धीरे से। लाइन से इंजेक्शन लगवाएगा। हमें शर्मिंदा मत करो भौजी। धीरे धीरे। आजकल तो बहुत चक्कर आ गया, तुम्हें पैर भी साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं चला रहा। कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आजकल तो बहुत चक्कर आ रहे हैं दूती दूध से। डॉक्टर साहब, अरे मर गया, पेट के दर्द से मर गया। डॉक्टर साहब, कुछ करो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मरा जा रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, कुछ करो जल्दी से। पेट में हो रहा है डॉक्टर साहब। दाल रोटी खाए डॉक्टर साहब। हल्का खाना खाना, ड्राई फ्रूट खाना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। और ये तीन वक्त की मैं दवाई दे रहा हूँ, कल फिर आना। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं भी जरा ठीक ठाक हो जाऊँ। बड़ी परेशानी हो गई है घुटनों में डॉक्टर साहब। विद्या को स्कूल भेजा या नहीं? अभी तो नहीं भेजा डॉक्टर साहब। गलत बात है। देखो, अगर तुम बिटिया को स्कूल नहीं भेजोगे तो मैं फिर कल से तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। अरे समझ गया डॉक्टर साहब, समझ गया। कल से मैं उसे जरूर स्कूल भेजूंगा। ठीक है। हाँ, ये दवाई ले लो। हाँ। और कल से देखना। ठीक है। दवाई तो वही से लेकर डॉक्टर साहब। मैं राम भरोसी की बीवी को देखकर आता हूँ। अबे टंकू, अबे ये डॉक्टर भी बड़ा अजीब है। हमसे कह रहा था जब तक लड़की को स्कूल नहीं भेजोगे मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। उत्तरी की है? अरे क्या बात हुई बोला। अबे हमारी लड़की हम उसे स्कूल भेजे है ना भेजे, वो कौन काम का? अबे जब लड़कियों को स्कूल भेज देंगे तो घर का काम कौन करेगा? वो डॉक्टर की घरवाली। और तो और नंकू, डाल ना डाल, वो भोला की बहू, अबे वो कंप्यूटर हो गई है। हाँ? हाँ। अगर ठीक होना है हाँ? तो खाओ दवाई डाइन के हाथ की। एक बात तो है जुम्मन, जैसे उस डॉक्टर ने उसे कंप्यूटर बनाया ना हाँ? एकदम बदल गई है। अच्छा हाँ? अच्छा भैया, अब मैं तो चल रहा हूँ, मेरी घरवाली देख रही होगी। अबे ठहर, अबे मुझे भी जाना है, बाहर वाली ने बुलाया है। ये अंधेरा क्यों कर रखा है? पता नहीं क्यों आज दिल घबरा रहा। क्या बात, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो, बताओ ना क्या बात है? वो आज बाबू जी आए थे, वो कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ बेटा चाहिए। अरे बाबू जी तो ऐसे ही कह रहे होंगे, तुम बेबस से परेशान हो। अच्छा आंखें बंद करो। क्यों? अब करो ना। अब हाथ आगे लाओ। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, पर आज अचानक ये रिश्वत क्यों? जरूर दाल में कुछ डाला है। क्या बात कर रही हो, मुझे पसंद आया इसलिए ले आया। बस रियली आई स्वेल।
बाबा मैं तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है नमस्कार ठाकुर साहब बैठो। कहीं कैसे याद किया डॉक्टर साहब? आजकल आप डॉक्टरी से ज्यादा समाज सेवा पर ध्यान दे रहे हैं। किसकी लड़की पढ़ने जाती है, किसकी नहीं जाती, किसके कितने बच्चे हैं, डॉक्टरी में ये सब भी सिखाया जाता है। ठाकुर साहब मैं डॉक्टर बाद में हूँ, पहले इस देश का जिम्मेदार नागरिक। देश हित में क्या सही है क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, जो काम आपको करना चाहिए था मुझे करना पड़ रहा है। देखो डॉक्टर, इस गांव में हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी बात नहीं मानोगे तो नुकसान में रहोगे। फायदा नुकसान आप देखिए, मैं तो सिर्फ एक स्वस्थ और पढ़ा लिखा समाज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए, आगे आपकी मर्जी। कोशिश करूंगा ठाकुर साहब। तो मैं चलूं? तो ठीक रहेगा। नमस्कार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांद की हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। क्या हुआ रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस ऐसे ही जरा चक्कर आ गया था। लेकिन आप आज बहुत चहक रही हैं। ओह रश्मि, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ लेकिन इस खुशी का कोई कारण तो होगा। हाँ है ना, घर में लक्ष्मी आने वाली है। क्या अब आएगा मजा? देखती हूँ कौन बचता है, जन्म लेने वाली कन्या या हमारे खानदान की परंपरा। एक बात पूछूं भाभी? हाँ पूछना। आपको भी तो बेटी पैदा हुई थी ना? हाँ हुई थी। जब मुझे पता चला मेरी कोख में कन्या का जीव है, मैं बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे नर्सिंग होम जाना पड़ा। और जब वापस लौटी तो मेरी झोली खाली थी। मुझे बताया गया तेरी जान को खतरा है, मेरा ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे संग धोखा हुआ है। मेरी गोद सूनी क्या हुई, कुछ दिन बाद एक कार एक्सीडेंट से तेरे जेठ जी भी चल गए। लेकिन तू सावधान रहना, डॉक्टर दुगल इन लोग से मिली हुई है। तो क्या मेरे साथ भी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बस ऐसे हिम्मत रखना, मैं सब संभाल लूं, मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू भाभी, थैंक यू। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, ये सोच बदलना आसान नहीं है।